नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हर शनिवार के तरह आज भी हम हाजिर हैं अपने ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश के साथ और आज किसी नई शख्सियत के बारे में जानेंगे कि उनके ग्रह नक्षत्र जो हैं क्या कहते हैं, क्या आने वाले दिनों में भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, क्या आने वाले दिनों में राजनीति के तरफ भी जाएंगे, लेकिन जो समाज सेवा के कार्य में उतरे हैं उसी से बिहार के जो नवयुवक हैं उनके सपनों को पूरा करेंगे। आखिर उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हैं। मिथिलेश जी, पहले आपका स्वागत है। बहुत क्या विकास वैभव, नाम आपने सुना होगा, बिहार की जनता जानती है, लेट्स इंस्पायर बिहार के सूत्रधार हैं, बिहार के नवयुवकों को उससे जोड़ते हैं। क्या है कुंडली? इंटरनेट पर जो इनके जन्म का विवरण है उनके अनुसार उनके सिंह लग्न कुंडली है और वृश्चिक राशि है। अब सिंह लग्न सूर्य की राशि है, यह एक अग्नि तत्व राशि है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जितने जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या पुलिस पदाधिकारी है उनकी कुंडली अग्नि तत्व राशि की होती है और यहाँ स्वयं सूर्य ही कुंडली के लीडर हैं, लग्नेश है। बहुत अच्छे जो है चतुर्थ भाव में चंद्रमा बुध और शुक्र के साथ स्थित हैं। यह भाव जो है लोकप्रियता का है, कार्यकुशलता का है, लोकप्रिय है भी कार्यकुशलता का। और मिथिलेश जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर जरा सा कि प्रशासनिक जो मैंने पुलिस प्रशासनिक सेवा में है उससे ज़्यादा वो लोगों के दिलों में बसते हैं, अपना जो लेट्स बिहार के इंस्पायर बिहार के सूत्रधार हैं वो, उससे लोगों के बीच में उनकी और एक पहचान बड़ी ज़्यादा है और बड़े सौम्य अधिकारी हैं। चतुर्थ हाउस में चूँकि चंद्रमा भी स्थित है, चूँकि वहाँ का जो है वास्तविक तौर पर काफ़ी शुभ ग्रह माने जाते हैं, वहाँ पर चंद्रमा का होना जो है एक लोकप्रियता को बढ़ाता है, लोकप्रियता की ओर संकेत करता है, तो वहाँ पर चार ग्रह भी हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। एक लग्न में ही मंगल राहु और बृहस्पति है तो ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज्ञानी भी हैं, इनके पास काफ़ी गहरा ज्ञान है, अंतर्ज्ञान भी है। और सूर्य पर शनि की दृष्टि और मंगल के ठीक दूसरे भाव में शनि का होना यह भी दिखा रहा है कि ये तकनीकी शिक्षा में भी काफ़ी पारंगत होंगे, या जैसा कि सुनने में आया कि ये IIT से इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा भी ली है तो काफ़ी विद्वान हैं, मेरे काफ़ी पढ़े लिखे। अच्छा, विद्वान तो है ही हैं, बड़े घुमक्कड़ मिजाज के हैं, तो क्या कुंडली में कुछ ये मिजाज भी उनका दर्शाता है क्या? जी, चंद्रमा चूंकि अपने वृश्चिक राशि में है ये काफ़ी चंचलता को दर्शा रहा है तो मानसिक रूप से थोड़ा सा चंचल काफ़ी होंगे जरूर, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये करें वो करें, वो प्रशासन में भी काम कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कुछ और नया भी करने की हमेशा उनकी इच्छा रहती है, बलवती जरूर रहती होंगी। कुंडली में कहीं राजनीति में पर्दापण का कहीं चांसेस कहीं कुछ दिखता है? अभी पीछे उनकी शुक्र की महादशा चल रही थी जो कि 2003 से अभी अप्रैल 2023 तक था। अब ये स्थिति मिला जुलाकर ठीक थी, बहुत उत्कृष्ट तो नहीं कह सकते हैं, इसमें कुछ विवाद भी उनके हुए हैं होंगे तो ये स्थिति है, लेकिन अभी वर्तमान में उनकी सूर्य की महादशा आरम्भ हो चुकी है जो कि और उनको आगे ले जाएगा काफ़ी। यह जीवन की उनकी बेहतरीन समय होगा क्योंकि कुंडली का लग्नेश है सूर्य, कुंडली का लीडर एक तरह से सूर्य ही है और जब लीडर खुद जब रूल करता है किसी व्यक्ति के कुंडली पे तो एक अपने जीवन का वो बेहतरीन समय रहता है, संभव है कि वो काफ़ी आगे जाएं, कुछ सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम करें। सामाजिक क्षेत्र में यानी उसको राजनीति के भी परफेक्ट से आप जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि सरकार का कारक ग्रह तो सूर्य। मैं मिथिलेश जी आपको यहीं रोकूंगा, लेकिन हमारे पास जो कुछ छन के राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है उसमें एक नाम जो है छन के आ रहा है, विकास वैभव का निश्चित तौर पर आ रहा है, कहाँ से लड़ेंगे उस पर भी खूब मंथन हो रहा है किसी पार्टी में कि विकास वैभव को उस जगह से लड़ाया जाए, उस व्यक्ति के विपरीत लड़ाया जाए और वो बात कहीं ना कहीं शायद सच साबित होती दिख रही है। जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने बताया कि सूर्य की महादशा उन पे अब चल रही है और सूर्य जो है हमेशा वो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को एकदम अंतिम पावदान तक ले जाते हैं, वहाँ जो व्यक्ति की चमक है वो चाहे वो राजनीति में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हमेशा ऊंचाई पर दिखती है। क्यों मिथिलेश जी? बिल्कुल, ये समय उनका अभी 2023 से 2029 तक उनकी सूर्य की महादशा चल रही है
तो ये 6-7 साल उनके लिए जीवन का बेहतरीन समय मतलब होगा। मिथिलेश जी, ये आप जिस तरीके से उनकी कुंडली को खंगार रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो राजनीतिक गलियारों से खबरें हमारे पास भी आ रही हैं, तो 2024 और 2029 5 साल होते हैं, यानी कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में ये भाव दिख रहा है आपको कि 5 साल, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यदि वो लड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर ऐसा वो निर्णय लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जाने का, क्योंकि सामाजिक रूप से तो काफ़ी लोकप्रिय हैं ही जी, तो उसमें भी काफ़ी प्रबल सफलता के जोग दिख रहे हैं हाँ, चूँकि सूर्य कुंडली के लीडर हैं और कुंडली सूर्य और यदि मान लीजिए कि मानते हैं उस पार्टी का बात, यदि लड़ते हैं जीतते हैं तो हो सकता है कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो छवि है, हो सकता है कि मंत्रिमंडल तक जाएँ। संभव है ये बात, संभव है ये बात पूरी तरह, क्योंकि ईमानदारी में उनका कहीं कोई आज तक दाग नहीं लगा है, छवि बहुत अच्छी है, बहुत सभ्य और सुशील हैं, बड़े सौम्य व्यक्तित्व के हैं, तो इसमें कहीं कोई मतलब मैंने कहीं से एक तरह से कह लीजिए कि कोई डाउटफुल नहीं है उनके कैरेक्टर पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत एक सौम्य व्यक्ति हैं और काफ़ी सामाजिक क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने जा रही है और एक नई पहचान वो उनकी बनेगी ये आने वाले 6-7 साल में, उनको जनता उनको एक नए रूप में देखेगी ग्रह के अनुसार। तो जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश जी ने बताया कि विकास वैभव नाम बिहार के बच्चे बच्चे की जुबान पे रहता है, हर बच्चा जो है विकास वैभव बिहार में बनना चाहता है, लर्न्स इंस्पायर बिहार के जो हैं सूत्रधार हैं, तमाम तरह के छोटे बच्चों को पढ़ाने के कार्यक्रम जो हैं उनके विद्यालय के मार्फत से चल रहे हैं, लेकिन जैसा श्री मिथिलेश ने उनकी कुंडली को खंगाला तो एक नया कुछ दिख रहा है 2024 से लेके 2029 तक। अब यदि हम मिथिलेश जी हमारे जो ज्योतिषाचार हैं उनकी बातों को राजनीतिक गलियारों की बातों को साथ में यदि जोड़ दें तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है, अंतिम चीज़ वही दिखाई दे रहा है कि शायद कहीं विकास वैभव राजनीति में आएंगे और एक पार्टी ने पूरा खाका तैयार, मैं उस पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा, एक खाका तैयार करना शुरू कर दिया है, कहाँ से किसके विरुद्ध लड़ाया जाएगा वो भी खबरें छन छन के आने लगी हैं, और यदि उस खबर पे मुहर लग जाती है तो विकास वैभव जो है शायद राजनीति में भी जाएंगे और राजनीति में भी वो निश्चित तौर पर अपनी पहचान बनाकर सफलता को सिद्ध करेंगे। हाँ बताइए आप। एक सलाह मैं और देना चाहूँगा, अगर कोई रत्न धारण करना चाहें जी तो निश्चित रूप में एक माणिक पहनना चाहिए, जो माणिक के पहनना चाहिए, सूर्य का रत्न है सूर्य, और ये इनको काफ़ी लाभ देगा। तो यदि विकास वैभव जी हमारे इस खबर को देखेंगे तो जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश का कहना है कि सूर्य का एक रत्न है माणिक्य, और निश्चित तौर पर माणिक्य उन्हें पहनना चाहिए ताकि उनकी सफलता में और भी 4 चांद लगे। हमेशा की तरह मैं हमेशा आपको बताते रहा हूं कि यदि आपके पास भी कोई समस्या हो, आप जानना चाहते हो हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से, तो स्क्रीन पर उनका नंबर चल रहा है, आप उन्हें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्याओं की जानकारी निश्चित तौर पर ले सकते हैं और जो वो समाधान आपको बताएंगे यदि निश्चित तौर पर उसे आप करते हैं तो सफलता आपके भी कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।